अभी जो टॉपिक चल रहा है, ये टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी में हम लोग प्राइमरी मेमोरी को पढ़ चुके हैं, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, उसके टाइप्स पढ़ चुके हैं, रैम रोम पढ़ चुके हैं, सब कुछ कंप्लीट है, ठीक है। अभी जो पढ़ेंगे हम लोग वो है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, तो देखिए सेकेंडरी मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स व्हेन दे आर नॉट बीइंग प्रोसेस्ड। मतलब क्या कि जिस टाइम आप काम कर रहे हो कंप्यूटर में, ठीक है, वो टाइम जो डेटा जनरेट होता है, बताए थे प्राइमरी मेमोरी, जो जिस टाइम आप काम कर रहे हो उस टाइम भी डेटा जनरेट होता है और वो डेटा आपका प्राइमरी मेमोरी सेव करता है, स्पेशली रैम। बट जब आपका काम कंप्लीट हो गया है, अब आप सेव करोगे, तो सेव करके रखने के लिए बाद में उस डेटा का यूज किया जा सकता है, उस फाइल का यूज किया जा सकता है, वहां पर आपको जो मेमोरी का जरूरत होता है वो होता है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल नेचर में होता है, ये परमानेंटली आपके डेटा को सेव करता है। आज आप सेव कीजिए तो कल भी देख सकते हैं, 2 साल बाद भी देख सकते हैं, अगर सेव में डेटा को रखा जाए तो। सेकेंडरी मेमोरी जो होता है ये नॉन वोलेटाइल नेचर में होता है, मतलब ये नॉन वोलेटाइल होता है, स्थिर मेमोरी होता है जो आपके डेटा को परमानेंट बेसिस पर सेव करके रखता है। इसका जो टाइप होता है ये 3 टाइप का होता है। पहला हो जाएगा मैग्नेटिक स्टोरेज, दूसरा हो जाएगा ऑप्टिकल स्टोरेज, तीसरा हो जाएगा सॉलिड स्टेट स्टोरेज, ठीक है। ये तीनों टाइप के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स आता है, अलग अलग डिवाइस होता है। तो चलिए देखते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज में क्या क्या आता है, ऑप्टिकल स्टोरेज में क्या आता है और सॉलिड स्टेट स्टोरेज में क्या क्या आता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज। जो मैग्नेटिक स्टोरेज होता है इसके अंदर HDD आता है। HDD फुल फॉर्म पूछता है, HDD का फुल फॉर्म क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। उसके बाद आता है फ्लॉपी डिस्क, उसके बाद आता है मैग्नेटिक टेप। जो ये 3 डिवाइस है स्टोरेज डिवाइस, ये किस में आता है, मैग्नेटिक स्टोरेज में आता है। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा इनमें से कौन सा आपका मैग्नेटिक स्टोरेज है और कौन सा नहीं है। ऑप्शन में ये दे देगा और एक एक्स्ट्रा दे देगा जो आंसर होगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है ऑप्टिकल स्टोरेज। जो ऑप्टिकल स्टोरेज है इसके अंदर आ जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क CD। फुल फॉर्म पूछता है CD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क। उसके बाद DVD का होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। जी हाँ, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है, देखिए दूसरा नाम है इसका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क DVD, ठीक है। उसके बाद इसका एक और नाम है सुपर डेंसिटी डिस्क HDD। किसका नाम है, इसी का नाम है डिजिटल वीडियो डिस्क, मतलब DVD का ही दूसरा नाम है सुपर डेंसिटी डिस्क, ठीक है। मैंने HDD जो है वो अलग है और SSD अलग है। SSD जो है ये SSD ये होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये अलग है, और SDD और SSD दोनों में डिफरेंस है। तो नेक्स्ट जो आता है वो होता है सॉलिड स्टेट स्टोरेज। सॉलिड स्टेट स्टोरेज जो होता है इसके अंदर आ जाएगा पेन ड्राइव, थंब ड्राइव और उसके बाद मेमोरी कार्ड। मतलब क्या, जो एक्सटर्नल स्टोरेज जो है हम लोग यूज करते हैं, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, ये सारा सॉलिड स्टेट स्टोरेज में आता है। और याद रखिएगा एक क्वेश्चन आता है कि जो मेमोरी कार्ड होता है कौन सा कंपोनेंट से बनाया जाता है, ये होता है सिलिकन का यूज किया जाता है। सिलिकन एक सेमीकंडक्टर होता है जिसके द्वारा मेमोरी कार्ड को बनाया जाता है, जिसका यूज करके मेमोरी कार्ड बनाया जाता है, और बहुत सारे IC माइक्रोप्रोसेसर इसमें यूज होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका है कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या है, इसके क्या क्या टाइप्स है और टाइप्स के अंदर ये सब डिवाइस में कौन सा किस कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक और नया टॉपिक जिसमें आप लोगों को कंप्लीट बताया जाएगा, फुल इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा जो भी टॉपिक में आएंगे। आई होप कि वीडियो आप लोगों का अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और रिवाइज करते रहिए, अब अपना एग्जाम का तैयारी करते रहिए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।